तरीन खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर सरनवाल। विस्फोटक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विस्फोटक न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, विस्फोटक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। वोटों की गिनती अभी जारी है और रुझानों में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को साफ बहुमत हासिल होता दिख रहा है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी 30 से भी कम सीटों पर सिमट रही है। रुझानों में जेएमएम झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। पार्टी को अकेले ही 28 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं बीजेपी 26 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को 44 सीटों पर बढ़त है और सूबे में गठबंधन की सरकार बनना लगभग तय है। आपको बता दें कि झारखंड में 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में मतदान हुआ था। रुझानों के मुताबिक बीजेपी ने सत्ता गंवा दी है और उसे 10 से ज्यादा सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। अब कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को बहुमत मिल रहा है और जेएमएम के हेमंत सोरेन सूबे के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जेएमएम गठबंधन को रुझानों में 43, बीजेपी को 27, आजसू को 4, जेवीएम को 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें आ रही हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में सभी 81 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। जमशेदपुर पूर्वी सीट पर मुख्यमंत्री रघुवर दास और बीजेपी से बगावत करने वाले सरयू राय आमने सामने हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार अभी तक के आए रुझानों के मुताबिक सरयू राय रघुवर दास से 4643 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। वहीं सरयू राय ने कहा है कि वो यहां 30,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल करेंगे। भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाले प्रखर नेता चौधरी चरण सिंह की आज 118वीं जन्मतिथि है। उनका जन्म आज ही के दिन 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। प्रधानमंत्री के पद पर वह लगभग 6 महीने तक रहे। चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर ग्राम में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। दिल्ली के किराड़े के कपड़ा गोदाम में आग लगने से 9 लोगों की जान चली गई है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार आग लगने के कारण 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 6 अन्य लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि आग जिस वक्त लगी उस वक्त गोदाम में कुछ लोग सो रहे थे। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद दोपहर में दिल्ली सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को सरकार 10-10 लाख रुपए सहायता राशि देगी। उधर पुलिस का कहना है कि आग की खबर हमें पीसीआर कॉल के जरिए मिली। पहले घर में आग लगने की सूचना मिली, लेकिन जब हम पहुंचे तो देखा कि गोदाम में आग लग चुकी थी। जिस वक्त आग लगी थी उस दौरान कुछ लोग गोदाम में सो रहे थे। घटना में घायल हुए सभी लोगों को पास के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के तुरंत बाद कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से उन पुरानी खबरों को ट्वीट किया जिनमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय के डिटेंशन सेंटर से जुड़े जवाब छापे गए हैं। संसद में बीते सत्र में ही राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस सांसद शांतनु सेन की तरफ से सवाल किया गया था, जिसके लिखित जवाब में नित्यानंद रॉय ने बताया था कि असम सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 22 नवंबर तक राज्य के 6 डिटेंशन सेंटर में 22,988 लोग हैं। नागरिक संशोधन एक्ट के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन अभी जारी है। इस बीच आज कांग्रेस पार्टी सरकार के इस कानून के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। सोनिया, राहुल और प्रियंका समेत कांग्रेस आलाकमान आज राजघाट पर सत्याग्रह करेगा और सरकार का विरोध करेगा। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ प्रदर्शन जारी है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीएए के खिलाफ लगाए गए सभी विज्ञापनों को हटाने का आदेश दिया है। दरअसल हाईकोर्ट में 6 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें वेबसाइट और अन्य जगहों से सभी विज्ञापनों को हटाने की मांग की गई है। इस पर हाईकोर्ट ने ममता सरकार को सभी विज्ञापन हटाने का आदेश दिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें विस्फोटक न्यूज। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स।